गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, क्लास फोर्थ, सब्जेक्ट साइंस, लेसन सेकेंड, एडेप्टेशन इन प्लांट्स, वीडियो नंबर फोर। इन प्रीवियस वीडियो वी हैव रीड द चैप्टर सेकेंड, एडेप्टेशन इन प्लांट्स, एंड इन दिस वीडियो टूडे वी डू क्वेश्चन एंड आंसर ऑफ दिस चैप्टर। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, आप फॉलोइंग क्वेश्चंस के आपको आंसर देने हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर वन, नेम ए प्लांट्स दैट हैज स्पाइंस। आपको उस प्लांट्स का नेम लिखना है जिसके स्पाइंस मीन्स कांटे होते हैं। तो कैक्टस, आंसर इज कैक्टस इज ए प्लांट्स दैट हैज स्पाइंस। कैक्टस वह पौधा है जिसके स्पाइंस कांटे होते हैं। कैक्टस फाइंड इन डेजर्ट एरियाज, डेजर्ट एरिया में होता है ना कैक्टस। CACTUS, कैक्टस इज ए प्लांट्स दैट हैज स्पाइंस। कैक्टस वे प्लांट्स है जिसके स्पाइंस कांटे होते हैं। ओके चिल्ड्रन, लेसन सेकेंड, क्वेश्चन सेकेंड, हाउ डू ब्रीदिंग रूट हेल्प ए प्लांट दैट ग्रो इन मर्सी एरियाज। ब्रीदिंग रूट्स है वो मर्सी एरियाज में ग्रो करने वाले प्लांट्स की कैसे हेल्प करती है। मीन्स जो मर्सी एरिया में प्लांट्स ग्रो होते हैं उनकी हेल्प ब्रीदिंग रूट्स कैसे करती हैं। तो देखिए आंसर इज ब्रीदिंग रूट्स ग्रो आउट द सॉइल टू ब्रीथ। ब्रीदिंग रूट है वो सॉइल से बाहर आ जाती है ब्रीथ करने के लिए, एंड हेल्प द प्लांट्स दैट ग्रो इन मर्सी एरियाज, और उन प्लांट्सों की हेल्प करती है जो मर्सी एरिया में ग्रो करती है। बिकॉज कैसे देयर रूट्स डू नॉट गेट एयर, उनकी रूट्स को एयर नहीं मिल पाती है, दैट सॉइल इज कवर्ड विद वाटर। क्योंकि वहाँ की सॉइल कैसी होती है, वाटर से कवर होती है। मर्सी एरिया की सॉइल तो दलदली होती है, वाटर से कवर होती है, तो उनकी रूट्स को क्या होता है, एयर नहीं मिल पाती है। तो ब्रीदिंग रूट क्या करती है, आउटसाइड ग्रो आउटसाइड हो जाती है सॉइल से, और वो ब्रीथ करने में ट्री की हेल्प करती है। सो आंसर इज ब्रीदिंग रूट ग्रो आउट इन द सॉइल टू ब्रीथ एंड हेल्प द प्लांट्स दैट ग्रो इन मर्सी एरियाज, देयर रूट डू नॉट गेट एयर एज द सॉइल इज कवर विद वाटर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड, व्हाई डू सम ट्रीज लोज देयर लीव्स इन विंटर। कुछ पेड़ विंटर में अपनी पत्तियां लोस यानी छोड़ देते हैं, खो देते हैं, शेड कर देते हैं, तो क्यों कर देते हैं। सम प्लांट्स लोज देयर लीव्स इन विंटर बिकॉज टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम कोल्ड। ठीक है, तो विंटर में सम प्लांट्स अपने लीव को इसलिए छोड़ देते हैं ताकि वो अपने आप को कोल्ड से प्रोटेक्ट कर सके, अपने आप को कोल्ड से सुरक्षित कर सके, सर्दी से बचा सके। व्हाई डू सम प्लांट ट्रीज लोज देयर लीव्स इन विंटर, विंटर में क्यों छोड़ती हैं पत्तियाँ। सम ट्रीज लोज देयर लीव्स इन विंटर टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम कोल्ड, अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, किससे, कोल्ड से। ठीक है, टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम कोल्ड। चिल्ड्रन यू टेक स्क्रीन शॉट ऑफ दिस क्वेश्चन एंड आंसर एंड डू दिस क्वेश्चन आंसर इन योर फेयर नोटबुक। ओके, यस, टेक स्क्रीन शॉट। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट, नेम द टू इंसेक्टिवेरस प्लांट्स। आपको टू इंसेक्टिवेरस प्लांट्स के नाम बता रहे हैं जो कि कीड़ों को खाते हैं। पिक्चर एंड विनस प्लांट्स आर इंसेक्टिवेरस प्लांट्स। पिक्चर PICTCHER, पिक्चर प्लांट एंड विनस प्लांट VENUS, विनस प्लांट्स, दे आर इंसेक्टिवेरस प्लांट्स। ये इंसेक्टिवेरस प्लांट्स है। ये प्लांट्स क्या करते हैं, ये प्लांट्स इंसेक्ट्स को ईट करते हैं। ओके, इसलिए इन्हें इंसेक्टिवेरस प्लांट्स कहा जाता है। क्लियर, कौन कौन से प्लांट्स इंसेक्टिवेरस, पिक्चर एंड वीनस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फाइव, व्हाट हेल्प द फ्लोटिंग प्लांट्स टू फ्लोट ऑन वाटर। कौन हेल्प करता है फ्लोटिंग प्लांट्स की
वाटर में फ्लोट करने के लिए तैरने में। कौन मदद करता है फ्लोटिंग प्लांट्स की? फ्लोटिंग प्लांट्स आर स्पंजी, वो स्पंजी होते हैं, गद्दीदार होते हैं एंड फील्ड विद एयर, हवा से भरे होते हैं, इनमें हवा भरी होती है। दैट में दिस मेक द प्लांट लाइट इनफ टू फ्लोट, और यह क्या करते हैं स्पंजी होते हैं और इनमें हवा भरी होती है, तो ये क्या करते हैं प्लांट को मैक कर देते हैं, मैक द प्लांट लाइट, वजन में हल्का कर देते हैं, लाइट एनफ यानी इतना हल्का कर देते हैं पर्याप्त रूप से, एनफ मीन्स पर्याप्त रूप से कि वो तैर सके, टू फ्लोट। क्लियर? फ्लोटिंग प्लांट्स आर स्पंजी, कैसे होते हैं स्पंजी होते हैं, गद्दीदार होते हैं एंड फील्ड भरे होते हैं विद एयर, हवा से। इज दिस मैक, यह क्या कर देती है, ये दिस मैक द प्लांट, ये प्लांट को बना देती है लाइट, हल्का इनफ यानी पर्याप्त, यह प्लांट को पर्याप्त हल्का बना देती है टू फ्लोट, जिससे कि वो तैर सकें। क्लियर? अगेन फ्लोटिंग प्लांट्स आर स्पंजी एंड फील्ड विद एयर, दे दिस मेक द प्लांट लाइट एनाफ टू फ्लोट। ठीक है, कि स्पंजी होते हैं और ये हवा से भरे हुए होते हैं, तो ये क्या कर देते हैं प्लांट को इतना हल्का कर देते हैं कि ये तैर सकें। चिल्ड्रन टेक स्क्रीनशॉट ऑफ दीज क्वेश्चन एंड आंसर एंड डू दीज क्वेश्चन आंसर इन योर फेयर नोटबुक। एंड नेक्स्ट वी स्टार्ट चैप्टर थर्ड स्टार्ट करते हैं आज हम रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। ओके, सो लेट्स स्टार्ट चैप्टर थर्ड, रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। एनिमल्स में रिप्रोडक्शन कैसे होता है, व्हाट इज़ द रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन होता क्या है। द प्रोसेस बाय विच लिविंग थिंग्स प्रोड्यूस मोर ऑफ देयर ओन काइंड्स इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। वह प्रोसेस, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा लिविंग थिंग्स यानी कि जो जीवित प्राणी हैं वो प्रोड्यूस करते हैं, पैदा करते हैं, उत्पन्न करते हैं मोर ऑफ देयर ओन काइंड्स, अपने जैसे ही पैदा करते हैं इस कॉल्ड रिप्रोडक्शन, यानी कि जो जीव है, जो जीवित जीव हैं वो अपने समान जो बच्चे पैदा करते हैं उसे रिप्रोडक्शन कहा जाता है। इन शॉर्ट द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग बेबीज और यंग्स, यानी कि वह प्रक्रिया जिसमें संतान की उत्पत्ति की जाती है वह क्या कहलाती है, रिप्रोडक्शन कहलाती है। ओके, द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग बेबीज एंड यंग वंस आर कॉल्ड रिप्रोडक्शन। ओके, ए लायन एंड ह्यूमन गिव बर्थ टू बेबीज, ठीक है बेबीज, और कौन कौन है, ह्यूमन है, लायन है, ये बेबीज़ को जन्म देते हैं, और कौन है, बर्ड्स एंड फ्रॉग लेस एग्स। ह्यूमन तो क्या करता है, ह्यूमन और लायन कैट वगैरह ये सब तो क्या करते हैं, ये बेबीज़ को जन्म देते हैं, बट बर्ड्स है, फ्रॉग है, ये क्या देते हैं, लेस एग, ये अंडे देते हैं, फ्रॉम विच बेबीज हैच आउट। जब ये अंडे देते हैं तो उसके बाद इनमें से बच्चे बाहर निकल आते हैं, बेबीज हैच आउट, पहले ये अंडे देते हैं और उसके बाद उनके बच्चे निकलते हैं। ठीक है, एनिमल्स दैट गिव बर्थ टू बेबीज, जो एनिमल्स बच्चों को जन्म देते हैं वो मैमल कहलाते हैं। वो कौन कौन से हैं, डॉग, कैट, एलिफेंट, बेयर, रैट आर सम एग्जाम्पल ऑफ मैमल। मैमल वो जीव होते हैं जो अपने समान बच्चे पैदा करते हैं और उन्हें फीड कराते हैं, मतलब दूध पिलाते हैं, ये क्या कहलाते हैं, मैमल कहलाते हैं। मैमल कौन कौन से एनिमल है, जो दैट गिव बर्थ बेबीज, जैसे डॉग, कैट, एलिफेंट, बेयर, रैट आर सम एग्जांपल ऑफ मैमल्स। ठीक है, नेक्स्ट है केयर ऑफ द बेबीज, बेबीज़ की केयर कैसे करते हैं ये लोग, मैमल्स टेक केयर ऑफ देयर बेबीज फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। मैमल होते हैं वो अपने बेबीज़ की लंबे समय तक, लॉन्ग पीरियड्स यानी लंबे टाइम तक क्या करते हैं, केयर करते हैं। जब ये अपने बेबीज़ को जन्म दे देते हैं, बॉर्न कर देते हैं ये बेबीज़ को, उसके बाद लॉन्ग पीरियड तक ये क्या करते हैं, इनकी केयर करते हैं। ओके, नेक्स्ट द बेबीज़ आर formed inside the
बॉडी। जो बेबी होता है वो इनकी क्या होता है, इनकी बॉडी के अंदर होते हैं। बेबीज़ कहाँ होते हैं, इनकी बॉडी के अंदर होते हैं, इनसाइड होते हैं ऑफ द मदर, मदर की बॉडी के इनसाइड में होते हैं। दे स्टे फॉर सेवरल वीक, मदर क्या करती हैं जब बेबी होने वाला होता है तो वो क्या करती है, सेवरल वीक तक क्या करती है, स्टे करती है, मतलब रेस्ट करती है, स्टे रुकती हैं घर पर ही। बिफोर बीइंग बॉर्न, जन्म देने से पहले ये स्टे करती हैं घर पर ही, मतलब अपना जगह बनाती है कि हमें यहाँ पे बेबी इसको जन्म देना है, तो अपना स्टे होम करती है एक तरीके से, कि हम आराम भी करती हैं और अपने घर को भी बनाती है कि भाई यहाँ पे हमें बेबीज़ को बॉर्न करना है, ठीक है। व्हेन द बेबीज़ आर बॉर्न, जब बेबी जन्म ले लेता है, दे आर वीक, बेबीज़ जब छोटे होते हैं तो वीक होते हैं वो, तो उनके बच्चे तो वो क्या करती हैं, द मदर फीड द बेबीज़, मदर क्या करती है, बेबी को फीड कराती हैं, ठीक है, और क्लीन दैम, उन्हें साफ़ करती है, एंड कीप दैम वार्म, उनको गर्म रखती हैं, ठीक है, ठंडे से भी उन्हें बचाती हैं। एज दे ग्रो, जब बेबी बड़ा हो जाता है, मदर टीच दैम टू फाइंड फूड, तो उनकी मदर क्या करती है, उनको उनको फूड कैसे फाइंड करते हैं ये टीच करती है, ये सिखाती है, ठीक है। एंड लिव ऑन देयर, और फिर उन्हें जीना सिखाती हैं, ऑन देयर ऑन, वो खुद जीना सीखें ऐसा उन्हें सिखाती है। पहले जब बेबीज़ को जन्म देती तब तो मदर उनकी टेक केयर करती है, उन्हें फीड कराती है, फिर जब बेबीज़ बड़े हो जाते हैं तो मदर उन्हें क्या टीच कराती है, सिखाती है उन्हें कैसे उनको फाइंड करना है फूड को, और कैसे उन्हें अपना जीवन जीना है, लिव ऑन देयर ऑन, अपने आप से कैसे उन्हें जीना है। हमेशा तो अपने साथ में नहीं रख सकते ना एनिमल्स, तो बेबीज़ को वो तो अपने बच्चों को इतना रेडी कर देते हैं कि वो अपने आप से अपना फूड फाइंड करते हैं और अपने आप से अपनी केयर करने लग जाते हैं जब बेबीज़ बड़े हो जाते हैं। और बेटा नेक्स्ट चिल्ड्रन, हम नेक्स्ट इस चैप्टर के जो एनिमल्स हैं जो कि लेइंग एग्स, अंडे देते हैं, ठीक है, उनके बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज आपका होमवर्क है, ओनली वन ही होमवर्क है आपके लिए, मैं के लिस्ट, आपको एक लिस्ट बनानी है ऑफ द एनिमल्स, उन एनिमल्स की दैट गिव बर्थ टू बेबीज, जो बच्चों को जन्म देते हैं, वो एनिमल कौन कौन से हैं, उनकी आपको एक लिस्ट रेडी करनी है। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।